अगर आप Redmi Note सीरीज के फैन है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि Redmi अपने Note सीरीज के अगले स्मार्टफोन को अगले महीने लॉन्च करने जा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 और Note 10 Pro की। तो अगले महीने हमें Redmi Note 10, Note 10 Pro देखने को मिलेंगे इंडिया में। तो ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में लॉन्च होंगे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ रैम की, मैं बात कर रहा हूँ 5G और 4G की। तो सबसे पहले हमें 4G वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और 5G वेरिएंट्स मिलेंगे। ये न्यूज हमें पता चली है 91 मोबाइल की तरफ से। बेसिकली हमें ये तीन कलर वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, व्हाइट, ग्रे और ग्रीन कलर में। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 10 की। तो पहले बात करते हैं 4G वेरिएंट की। तो इसके ज्यादा स्पेक पता नहीं चले, तो जितने पता है उतने में आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो 5G वाले में प्रोसेसर होने वाला है वो 750G का प्रोसेसर होने वाला है, जो कि एक 5G प्रोसेसर होगा। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.67 इंच का IPS डिस्प्ले होने वाला है और साथ में 90Hz का पैनल दिया जाएगा। Xiaomi ने अपने Note सीरीज में आज से पहले कभी 90Hz का डिस्प्ले नहीं दिया। अगर इस बार 90Hz का पैनल मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, Realme को अच्छी टक्कर दे पाएंगे। और अगर हम बात करें बैटरी की तो इसमें 4800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 33 वॉट का फास्ट चार्जर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा सुनने में मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि हमें पिछले वाले नोट सीरीज में देखने को मिलता था। लेकिन एक कंफ्यूजन है कि हमें 64 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलेगा या फिर 48 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलेगा। इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक Xiaomi की तरफ से नहीं है। अभी बात करते हैं Redmi Note 10 Pro के बारे में। Pro वेरिएंट में जो 4G वेरिएंट है उसमें हमें 732G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल के साथ, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन चार्जर कितने वॉट का मिलेगा ये नहीं पता। अगर 33 वॉट का मिलता है Note 10 की तरह तो 33 मिलेगा, या फिर 50 हो सकता है या फिर 65 हो सकता है। मेरे ख्याल से 65 होगा तो बेटर होगा। Android 11 के साथ आएगा, NFC का सपोर्ट भी हो सकता है ऐसा बोला। अगर हम बात करें RAM वेरिएंट की तो हमें 664, 6128 और 8128 ऐसे तीन RAM वेरिएंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो इसमें हमें IPS डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा, लेकिन 120Hz का डिस्प्ले हो सकता है ऐसा बोल रहे। अगर 120Hz का डिस्प्ले होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, वो है प्राइसिंग में। तो प्राइस अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन एग्रेसिव प्राइस में आ सकता है ऐसा सुनने को मिला है, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले नोट 9 सीरीज फेल हुई थी, वो नोट 8 सीरीज की तरह इतनी सक्सेस नहीं हो पाएगी। और दूसरा उनका कॉम्पिटिटर रियलमी, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में नोट सीरीज आती है Xiaomi की, उस प्राइस सेगमेंट में रियलमी अपने नंबर सीरीज में ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन दे रहा है, तो लोग वही खरीदना प्रेफर करते हैं। तो इन दो रीजन के वजह से Xiaomi अपने स्मार्टफोन की प्राइस एग्रेसिव रख सकता है और साथ ही हाईएस्ट रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं 4G और 5G की। तो आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं तो आप 4G वेरिएंट खरीद सकते हैं, या फिर आप इतना नहीं सोचते कि 5G हो या फिर 4G हो, आपको कोई भी चलता है तो आप कोई भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप 5G खरीदने की सोच रहे हैं तो देखिए, इंडिया में अभी तो 5G अवेलेबल नहीं है। पिछले साल न्यूज आई थी कि जियो की तरफ से हमें इस साल के सेकेंड हाफ में 5G देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में हमारी खबर आई कि इस साल 5G पॉसिबल नहीं है। 2022 में शायद से 5G हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले हैं 2 से 3 साल के लिए, तो आप 5G वेरिएंट खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल आपको 5G यूज करने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इस स्मार्टफोन के जो 5G वेरिएंट है वो फरवरी के एंड तक या फिर मार्च महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी Redmi Note 10 और Note 10 Pro के बारे में न्यूज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर इनके बारे में और कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में।